नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बनाएंगे आंवले का खट्टा मीठा अचार। आंवला बाल और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आंवले का प्रयोग खाने में जरूर करें। आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए आंवला लेंगे, उसको अच्छे से धुल लेंगे। पानी को गैस पर रख दिया गर्म होने के लिए। अब आंवले को उबालने के लिए पानी में डाल देंगे। आंवले को 10 मिनट के लिए उबालने के लिए रख देते हैं। आंवला अच्छे से उबल गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। आंवले को ठंडे होने के लिए रख देते हैं। अचार के लिए मसाला तैयार करने के लिए जीरा लेंगे, मेथी लेंगे, सौंफ लेंगे, अजवाइन लेंगे और सभी को मिक्स करके रख देंगे। धनिया लेंगे और इसमें लाल मिर्च लेंगे। धनिया और लाल मिर्च को गरम कर लेंगे थोड़ा सा। और इसको निकाल लेते हैं। आंवला ठंडा हो चुका है, अब इसके बीज को निकाल लेंगे। एक किलो आंवले का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए पाव भर गुड़ लेंगे और इसको फोड़ लेंगे। धनिया और लाल मिर्च को पीस लेते हैं। धनिया को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा पीसना है। धनिया पीस लिए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में अचार बनाने से अचार खराब नहीं होगा, साल भर तक इसको रख सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, ये पचफोरन जो तैयार किए थे उसको डाल देते हैं। इसको ज़्यादा नहीं जलाना है, आंवले को भी ऐड कर देंगे। तो गुड़ लिए थे तो ये ऐड कर देंगे। जो धनिया पाउडर और लाल मिर्च तैयार किए थे उसको भी ऐड करके इसको बराबर चलाते रहेंगे। इसको धीमी आंच पे पकाना है और लगातार चलाते रहना है। नमक ऐड करेंगे सोयाबीन का, कश्मीरी कलर के लिए, और हल्दी पाउडर ऐड करके इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस तरीके से आंवले का अचार बनाएंगे, धूप में सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और साल भर इसको रख के खा सकते हैं। आंवले का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद अचार को शीशे के जार में रख दें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।